Today video is about indole production test. It is the part of Invict test. जो Invict test के बारे में मैंने आपको बताया, ये उसी का first part है. आज जो मैंने आपको बताया था इंडोल, ये वही है इंडोल production test. इसका जो purpose होता है students, इस test का, इसका purpose होता है to determine the ability of microorganisms to degrade the amino acid tryptophan. ये जो इंडोल टेस्ट होता है स्टूडेंट्स, इसमें ये एक स्पेशल टेस्ट होता है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं उन बैक्टीरिया को जो एक इसेंशियल अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफन को डिग्रेड करते हैं. क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट्स, इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल ये है कि ट्रिप्टोफन जो है, इट इज़ एन इसेंशियल अमाइनो एसिड, और ये अमाइनो एसिड जो है ट्रिप्टोफन, इट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन बाय एंजाइमेटिक पाथवे. आप अगर इस ट्रिप्टोफन को, इसकी ऑक्सीडेशन करना चाहते हो, तो आप इसको तभी ऑक्सीडाइज कर सकते हो जब आप एक एंजाइमेटिक पाथवे आप फॉलो करें, देन ओनली इट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन. और जो ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, ये सभी बैक्टीरिया के पास नहीं है, ये सिर्फ कुछ बैक्टीरिया के पास है. ठीक है, क्या बताया मैंने कि ट्रिप्टोफन जो होता है, ये एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन बाय द वे ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज. ठीक है, और जो ये एंजाइमेटिक एक्टिविटीज है, ये सभी बैक्टीरिया के पास नहीं है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन सम बैक्टीरिया. ठीक है, ये सिर्फ कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट है ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी. ये जो कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफन इनटू मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है, जाके ये जो ट्रिप्टोफन है, इसे अगर तुम किसी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट टू द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, यू नीड अ स्पेशल एंजाइम. आपको एक स्पेशल एंजाइम की जरूरत होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रिप्टोफनेस. ठीक है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं हम ट्रिप्टोफनेस. ठीक है, और यही जो ये होता है ट्रिप्टोफनेस, यही ट्रिप्टोफन को ब्रेक करता है और बनाता है इंडोल. मैं आपको एक डायग्रामेटिकली दिखाऊंगी कि क्या होता है, उससे आपका कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए. ट्रिप्टोफन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ट्रिप्टोफन एक अमाइनो एसिड है. ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ट्रिप्टोफन एक अमाइनो एसिड होता है, एक इसेंशियल अमाइनो एसिड. इसेंशियल अमाइनो एसिड मतलब वो जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, इट इज एन इसेंशियल अमाइनो एसिड जो कि तभी यूटिलाइज हो सकता है बॉडी के अंदर जब आपके पास एक एंजाइम हो ट्रिप्टोफनेस. ठीक है, दैट मींस कि यू सी ट्रिप्टोफन जो, इसको आप तभी यूटिलाइज कर सकते हो अपनी बॉडी में. बैक्टीरिया इसको तभी यूटिलाइज कर सकता है अपनी बॉडी में जब उसके पास एंजाइम हो ट्रिप्टोफनेस. ठीक है, दिस ऑर्गेनिज्म, सॉरी दिस अमाइनो एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफनेस, ट्रिप्टोफनेस एक एंजाइम होता है. ये अमाइनो एसिड जब आप एक ट्रिप्टोफन के इन प्रेजेंस ऑफ अ ट्रिप्टोफनेस, इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स. पहला मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो होता है, जो आपको बनता है इससे, दैट इज कॉल्ड एज स्टूडेंट्स इंडोल. ठीक है, और सेकेंड होता है पाइरुविक एसिड और कुछ अमाउंट ऑफ अमोनिया भी. ठीक है, कंसेप्चुअली आप इस इंडोल टेस्ट को कैसे याद रखोगे सिंपल वर्ड्स में? सिंपल वर्ड्स मतलब को कि ट्रिप्टोफन एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है. ठीक है, उसे बैक्टीरियल बॉडी तभी ब्रेक डाउन कर सकती है जब उसके पास एंजाइम हो ट्रिप्टोफनेस. ठीक है, अगर बैक्टीरिया के पास ट्रिप्टोफनेस नहीं है तो ट्रिप्टोफन ब्रेक नहीं हो सकता है. जो ही ट्रिप्टोफन ब्रेक होगा,
और कब होगा ट्रिप्टोफन ब्रेक? जब ट्रिप्टोफनेस होगा, ठीक है। दिस ट्रिप्टोफनेस ब्रेक्स द ट्रिप्टोफन एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है? इंडोल, ठीक है। हमें चाहिए क्या? इंडोल। और जो ये एक्टिविटी है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये सभी के पास नहीं होती है, ये सभी के पास नहीं होती है, जिसकी वजह से दिस एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर मार्कर, ये आपको एक मॉलिक्यूलर मार्कर की तरह एक्ट करता है। इसकी वजह से आप कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो बाकी बैक्टीरिया से अलग होता है। यू कैन आइडेंटिफाई अ स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये इसका प्रिंसिपल है। अब मैं आपको बताऊंगी प्रैक्टिकली आपको ये कैसे करना है, हाउ डू यू हैव टू डू इट प्रैक्टिकली, इसका प्रैक्टिकल आपको कैसे करना है। स्टूडेंट, सबसे पहले यू नीड टू प्रिपेयर सिम अगार, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रिपरेशन बताऊंगी। सिम अगार हमारे पास साइमोन सिट्रेट, अगर मैं आपको तब बताऊंगी इसका प्रिपरेशन। तो सिम अगार आप सबसे पहले बनाएंगे, बनाने के बाद उस अगार को आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे। जो आपको प्रोसीजर एज यूजुअल पता है, पहले सारे इंग्रेडिएंट्स लेंगे, उन्हें मिक्स करेंगे, फिर ऑटोक्लेव करेंगे, ऑटोक्लेव करने के बाद उसको सॉलिडिफाई करेंगे, ठीक है जी। सॉलिडिफाई करने के बाद इसके अंदर डालेंगे आप सैंपल, यू विल ऐड सैंपल, जो भी आपके पेशेंट का सैंपल है आपने सैंपल इसके अंदर ऐड कर दिया। सैंपल जब आप ऐड करेंगे 24 आवर्स तक 37 डिग्रीज टेम्परेचर पे आप उसको रख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे इसमें ग्रोथ आई होगी, देयर विल बी ग्रोथ, और उसके बाद आप ऐड करेंगे इसमें एक रिएजेंट कॉल्ड एज कोवैक्स रिएजेंट। एक्सक्यूज मी, आप इसमें ऐड करेंगे कोवैक्स रिएजेंट। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव है, इफ द टेस्ट इज पॉजिटिव, तो इसके ऊपर एक रेड कलर की रिंग बनेगी, रेड चेरी रेड, रेड कलर रिंग, इसके ऊपर एक चेरी रेड कलर की रिंग बनेगी, और ए प्रेजेंस ऑफ रेड कलर विल इंडिकेट द टेस्ट पॉजिटिव। थैंक यू।